आपका क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के ऑफ इक्वेशन हैज अ यूनिक सॉल्यूशन एंड नो सॉल्यूशन। ठीक है, सेकंड इज नो सॉल्यूशन। नाउ तो आपका कैसे दे रखा है, देखो के एक्स प्लस टू वाई इज इक्वल टू फाइव एंड सेकंड इक्वेशन इज थ्री एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू वन। तो सबसे पहले हम इसको कैसे लिखेंगे, वी विल राइट इट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो स्टैंडर्ड फॉर्म आपका कैसे होता है, ये आपका होता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी दैट इज इक्वल टू जीरो। दैट मीन्स आपको सबको लेफ्ट में लिखना है, ठीक है, तब हमारा होगा वो स्टैंडर्ड फॉर्म। तो हम इसको लिखते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में, ठीक है। नाउ तो देखो कैसे होता है आपका, आपका आ जाएगा के एक्स प्लस टू वाई और प्लस फाइव है तो क्या हो जाएगा माइनस फाइव दैट इज इक्वल टू जीरो। और सेकेंड इक्वेशन कैसे आ जाएगा आपका, थ्री एक्स प्लस वाई माइनस वन दैट इज इक्वल टू जीरो, है ना, वन को लेफ्ट में लेकर आए माइनस वन, ठीक है। नाउ तो ये अब हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म भी हो गया। नाउ अब आपकी कंडीशन देखो, यहां पर क्या लिखा है, अ यूनिक सॉल्यूशन। तो यूनिक सॉल्यूशंस का मतलब होता है दे आर द कंसिस्टेंट लाइन। तो वी कैन से दे आर द कंसिस्टेंट लाइन। तो कंसिस्टेंट लाइन कौन सी होती है, इंटरसेक्टिंग लाइन, दैट मीन्स दे विल इंटरसेक्ट विथ ईच अदर। तो इन टर्म्स ऑफ रेशियोस आपका कैसा होगा, वो आपका होगा ए वन बाई ए टू इज नॉट इक्वल टू बी वन बाई बी टू, ठीक है। तो ये उसकी कंडीशन होगी। तो अब हम इसको लिखते हैं इन यूनिक सॉल्यूशंस में। तो आपका देखो कैसे आएगा रेशियोस में, के बाई थ्री इज नॉट इक्वल टू टू बाई वन, है ना, यहां कुछ भी नहीं है दैट मीन्स वन इज देयर। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट k इज नॉट इक्वल टू सिक्स, थ्री इंटू टू इज सिक्स, ठीक है। दैट मीन्स आपका क्या हुआ, k यहां पर सिक्स नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी हो सकता है, माइनस सिक्स हो सकता है, ठीक है, एक्सेप्ट प्लस सिक्स नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी हो सकता है वो, ठीक है। नाउ तो सेकेंड इज आवर नो सॉल्यूशन। तो नो सॉल्यूशंस किसके होते हैं, पैरेलल लाइंस के, है ना, तो वो होते हैं हमारे पैरेलल लाइंस के। तो पैरेलल लाइंस को क्या बोलते हैं हम लोग, इनकंसिस्टेंट कंडीशन। तो वी कैन राइट इट एज इनकंसिस्टेंट कंडीशन। ठीक है, नाउ तो इन टर्म्स ऑफ रेशियो उसे क्या कंडीशन होगी, यहां पर देखो ए वन बाई ए टू इज नॉट इक्वल टू बी वन बाई बी टू था यूनिक का, तो इनकंसिस्टेंट का क्या रहेगा, पैरेलल लाइंस के, वी विल राइट दैट। तो वो आपका होगा ए वन बाई ए टू इज इक्वल टू बी वन बाई बी टू बट नॉट इक्वल टू सी वन बाई सी टू। तो दिस इज द कंडीशन फॉर इनकंसिस्टेंट, ठीक है। नाउ तो अब यही वैल्यू हम इसमें डालते हैं, तो देखते हैं हमारा क्या आता है। तो k बाई थ्री इज इक्वल टू टू बाई वन इज नॉट इक्वल टू माइनस फाइव बाई माइनस वन, तो माइनस एंड माइनस गेट कैंसल्ड, है ना। नाउ अब आपकी k की वैल्यू क्या होगी, आपको सिर्फ ये दोनों से निकालना है, इसकी जरूरत नहीं है आपको। तो ये दोनों से क्रॉस मल्टीप्लाई करो, k इंटू वन इज k,
दैट इज इक्वल टू 3 × 2 = 6। तो इफ यू आर राइटिंग 6 तो ये आपका हो जाएगा पैरेलल लाइंस, है ना। तो यहां पर देखो k इज नॉट इक्वल टू 6 तो आपका हो जाएगा यूनिक। अगर आपने k की जगह पे 6 लिख दिया इस कंडीशन में, दैट मीन्स वो आपका हो गया नो सॉल्यूशन। और आपने k की जगह पे कुछ भी नहीं लिखा, दूसरा नंबर कुछ लिख दिया, तो वो आपका हो जाएगा यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है।